हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? और क्या चल रहा सब कुछ? ओ बढ़िया ही चल रहा होगा अपना तो। यार अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अपनी जॉब है 10 बजे से लेकर मॉर्निंग तक, वहाँ जा रहा हूँ। तो यार आज के टॉपिक में बताऊँगा कि भाई रशिया, आप जैसे कोई बंदा रशिया आना चाहता है तो वो कैसे आएगा रशिया, तो मैं बताऊँगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या कितना टाइम लगता है यहाँ पर आने में, रशिया आने में। तो भाई ये अपना पीछे का व्यू है, ऐसा है, थोड़ा कैमरा थोड़ा लेस ज़्यादा साफ़ नहीं है पर इसीलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हुआ, पर सीन कुछ ऐसा है। तो भाई रशिया आने के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बहुत ही कम डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है, जो कि हो गया अपना पासपोर्ट, हो गया पासपोर्ट होना चाहिए, एक अपना होना चाहिए 10-12 की जो मार्कशीट होती है वो, फ़ोटो, और बस यही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसमें टाइम कितना लगता है इसमें भाई? 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन में भाई तुम लोग को तुम्हारा रशिया का वीज़ा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है भाई, इतना ही टाइम लगता है इसमें, 15 से 20 दिन। तो भाई कैसे अप्लाई करें? दो, एक ऑप्शन होता है कि वहाँ चले जाओ अपना एजेंट के पास, ठीक है ना, एजेंट के पास जाओ, वो तुमसे पैसे लेगा, पैसे खाएगा। एक ऑप्शन होता है कि भाई तुम खुद से अप्लाई करो। तो ये दो ऑप्शन है। हाँ तो भाई ये दो ऑप्शन है, एक तो भाई एजेंट हो गया, एजेंट के पास जाओ वो तुमसे पैसा खाएगा। एक ऑप्शन हो गया कि भाई ये तुम खुद अपना गूगल पे जाके थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है ना, अपनी यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी पे मैसेज करो, ईमेल डालो, ठीक है ना। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मुझे पता है, जैसे कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो इंटरनेशनल इनोवेशन कॉलेज है मॉस्को में, और एक यूनिवर्सिटी हो गया MSLU हो गया, इसमें आप वो डालो, मेल डालो कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं आपकी कंट्री में रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ। तो आप जैसे अगर मैसेज डालोगे तो वो क्या है, आपको रिप्लाई करेगा कि ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, अपना ट्रांसलेशन भेज दो अपने पासपोर्ट का, अपना पासपोर्ट ट्रांसलेशन कराओ और अपना वहाँ पर इसको भेज दो, ठीक है ना, उनकी वेबसाइट मतलब उनकी मेल आई डी पर। वो चेक करेंगे या फिर सब कुछ ओके होगा तो बस ठीक है, वो कहेंगे ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे 10-12 की मार्कशीट हो गया ये उसको भेज दो। तो वो क्या है, वो आपको इनविटेशन लेटर इशू करके दे देते हैं, इनविटेशन लेटर ही आपका वीज़ा होता है। इनविटेशन लेटर जब वो इशू करके देंगे आपको, उस इनविटेशन लेटर को आपको ले जाना है रशियन एम्बेसी में, ठीक है, जो अपनी दिल्ली में, वहाँ जाओ आराम से, वहाँ पर जाके आपको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद अपना या तो वो 3-4 दिन लेता है, नहीं तो वो तुरंत की तुरंत अपना वीज़ा आपको हाथ में दे देगा, इस टाइम करके कहेगा कि थोड़ा वेट करो वरना आपको वीज़ा आपको दे देगा, ऐसा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही ख़राब होते हैं, बस 15 दिन में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। एजेंट भी 20 से 15 दिन ही लेता है, इससे ज़्यादा लेता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस इतना सिंपल सा ईजी है अपना मॉस्को, अपना रशिया आने का, मॉस्को जाओ या फिर किसी भी कंट्री किसी भी सिटी जाओ, इतना सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस है। तो आप ये खुद भी कर सकते हो और एजेंट भी अपना कर सकते हो। और मार्केट में इसके रेट चल रहे हैं 2,30,000 चल रहा है, 2,50,000 चल रहा है, 3,500 चल रहे हैं, पर मैं जो आया था वही मैं 2,10 में आया था, कॉलेज की फ़ीस भी थी उसके अंदर और अपना ये एजेंट की फ़ीस भी थी, तो अपना दोनों काम हो गया था उसमें। तो भाई इतना छोटी सी वीडियो है, ठीक है ना, तो देख लेना उसको, अपना प्रोसेस ऐसे ही होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, आओ कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जाना पड़ता नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, कॉलेज जाना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिशन कराओ और वर्क पे वर्क चालू कर दो बस, ठीक है ना भाई। तो इतना सिंपल से प्रोसेस है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसको रशिया जाना हो उसको शेयर कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।